नमस्कार मेडी पी आर, आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक कंपनी जब हम बना लेते हैं तो उसमें जो हम लोग आइटम परचेज करके लाते हैं कंपनी में, या सामान बनता है हमारा, तो उसके एक गोदाम होते हैं। गोदाम जिसे हम गोडाउंस कहते हैं, तो उन गोडाउंस को हम कैसे बनाते हैं और उसका कैसे हम लोग अलग अलग गोडाउन में अलग अलग सामान रखते हैं। तो सबसे पहले जब हम सामान रखेंगे तो गोडाउन का निर्माण करेंगे, तो जैसे हम फिजिकल गोडाउन बनाते हैं किसी जगह को किराए पर लेके या कैसे खुद का बना के, ऐसे यहाँ पर टेली में भी आपको वो गोदाम जो आप जिस नाम से वहाँ पर पुकारोगे उस गोदाम को, वही गोदाम आपको उस नाम से इस टेली पर भी अदाना बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने आपको कल 3 लेसन पढ़ाए थे। फर्स्ट लेसन था आपका कि कंपनी का बनाना, दूसरा था कंपनी ऑल्ट्रेशन करना, और तीसरा था कंपनी को डिलीट करना। अभी हमारा चौथा लेसन है कि गोडाउन बनाना। आप इसमें पाथ लिखते जाएंगे, पहले हेडिंग डालेंगे फॉर क्रिएटिंग गोडाउन, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रिएटिंग गोडाउंस, एंड देन उसके नीचे लिखेंगे फिर आप लोग फिर आप लिखेंगे प्रेस F11 एंड F2 एंड F2। ये हमारा पाथ है, प्रेस F11 एंड F2। इसके बाद जैसे ही आप F2 दबाओगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें आपको फिर ये जो है मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, इसको यस कर देना है। इसको यस करने के बाद आपको यहाँ से इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ से फिर आउट हो जाना है। इसके बाद में अब पाथ लिखना है आगे। आगे कैसे पाथ लिखना है कि हम लोग जहाँ जो गोडाउन बनाते हैं ना, वहाँ तक जाने का पाथ लिखना है। वो पाथ आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताऊँगा। देखिए आप कैसे डालेंगे उस पर, देखिए आप यहाँ से डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे आप गेटवे ऑफ टैली। डालिए गेटवे ऑफ टैली, हम जैसे ही डाल देंगे तो इसके बाद में फिर हम डैश करेंगे, और डैश करने के बाद में हम कहाँ गए फिर, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो गेटवे ऑफ टैली मतलब होता है जो हम सबसे पहले, जैसे हम लोग यहाँ हैं, ये गेटवे ऑफ टैली पे है ना हम लोग, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है गेटवे ऑफ टैली सबसे पहले शुरू में, और उसके बाद में हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए। तो आपको क्या लिखना है, गेटवे ऑफ टैली, तो इसको लिखना है आपको शॉर्ट फॉर्म में गॉट, GOT, गॉट गॉट डैश इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, और फिर डैश गोडाउन, फिर डैश क्रिएट। क्रिएट के बाद जैसे ही आप लोग इसको सेलेक्ट करो क्रिएट को, तो देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप लोग इसके बाद में तुरंत चले जाएंगे इस स्क्रीन पे। ओके, अब यहाँ पर हमें को इसका जो नाम दे देना है, पहला हमारा जो आपका ये जो बनना है गोडाउन, तो यहाँ पर नाम दे देना है स्टोरेज गोडाउन, अंडर ये प्राइमरी के जाएगा। ओके, फिर इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है यहाँ इसको। अब ऐसे ही हमको दूसरा भी बनाना है, सिमिलियर क्रिएट ऑफिस गोडाउन, तो आप यहाँ पे ऑफिस गोडाउन, दो गोडाउन बना के आप इसको छोड़ दो, फिर आप यहाँ से बैक हो जाओ, एस्केप से हम लोग वापस चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि क्रिएट अ स्टॉक, क्रिएट अ स्टॉक, क्रिएट स्टॉक ग्रुप। अब मान लीजिए आप लोग यहाँ पर सामान, तो आपने सोच लिया कि हमें यहाँ सामान रखना है, यहाँ पर गोडाउन हमने बना लिए, अब उस स्टॉक को एक ग्रुपिंग के साथ रखना है ना। जैसे मान लीजिए आपका सैमसंग का एक ग्रुप अलग है, नोकिया का ग्रुप अलग है, और आपका मान लीजिए जैसे आपका डेल का ग्रुप अलग है, तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर एक ग्रुप बनाओगे। ये देखिए यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे हम लोग। तो अभी आप लोग इसमें क्या लिखोगे, जैसे हमने गोडाउन बनाने के लिए पाथ लिखा था, ऐसे ही आप लोग इसमें बनाने के लिए पाथ लिखोगे। क्या लिखोगे पाथ, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, पहले हेडिंग डालेंगे क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप्स, ठीक है ना। इसके बाद में आप यहाँ पर उसका लिखेंगे पाथ, स्टॉक ग्रुप के बाद में लिखेंगे उसका पाथ,
पाथ में क्या लिखेंगे? देखिए पाथ में आप क्या लिखेंगे, लिख लीजिए गॉट डैश इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, फिर डैश स्टॉक ग्रुप, फिर डैश स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। देखिए यहाँ पे नीचे देखो ये पाथ आ रहा है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन एंड स्टॉक ग्रुप और स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है ये पाथ, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। और इसको नोट करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, फिर जैसे फिर इसको हम लोग बनाएंगे तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन करेंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्रिएट पर क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी और आप इसमें डाल दोगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आप नोकिया के फ़ोन लेके आ रहे हो, तो आपने यहाँ पर नोकिया लिख दिया, प्राइमरी में रहेगा ही रहेगा आपको, और एडिट में यहाँ यस कर दीजिए, बाद में हम कुछ पीस जोड़ने तो ऐड हो जाए। इसके बाद में ऐसे ही सैमसंग बना लीजिए और ओप्पो बना लीजिए, वीवो बना लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर स्टॉक की जो आपने क्या लिखा, स्टॉक आइटम बना लिए, स्टॉक आइटम ग्रुप बना लिया। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के बाद में आपको फिर क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएटिंग स्टॉक कैटेगरी बनानी है, समझ रहे हैं? पहले हमने स्टॉक आइटम बनाया, एक लेसन हमारा वो हो गया, फिर हमने स्टॉक ग्रुप बनाए हैं, फिर दूसरा लेसन वो वहाँ हो गया, अब हम स्टॉक कैटेगरी बना रहे हैं, तो तीसरा लेसन हमारा ये हो गया। तो हम अभी तक 6 लेसन पर बात कर चुके हैं, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर इसको नोट करते जाइए, क्योंकि इसमें ना हम लोग टैली में जो एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ पर भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग ऐसे करके यहाँ इसको नोट कर लेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं। तो हेडिंग डालिए आपने क्रिएट स्टॉक कैटेगरीज, ठीक है। इसके बाद में आप लोग इसका लिखेंगे पाथ, पाथ में लिखेंगे क्या, प्रेस F11, पहले हेडिंग डालेंगे स्टॉक कैटेगरी क्रिएटिंग, फिर उसके बाद में लिखेंगे आप लोग यहाँ पर प्रेस F11 एंड F2 एंड F2। जैसे ही आप F2 दबाओगे तुरंत यहाँ पर एक स्क्रीन लेकर के आएगी और आपको यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, यस करने के बाद एंटर करते हुए जाना है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद में अब आप फिर पाथ लिखेंगे दूसरा, अब सेकंड पाथ लिखेंगे गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन और डैश करके स्टॉक कैटेगरी और फिर उसके बाद में डैश करके क्रिएट। देखिए यहाँ पर आप लोग एक बार देखिए, फिर मैं दोबारा आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर आप लोग इसको पाथ को लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ना फिर। तो देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है ना, आप नीचे देखिए इसको, मैं देखो नीचे देखिए आप, नीचे देखिए आप, नीचे देखिए टैली मैन गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक कैटेगरीज फिर डैश करके स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग नीचे, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए आप लोग ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये लिख लेंगे इसको। अब इसको लिखने के बाद में आप क्या करोगे, फिर यहाँ हम लोग जो कैटेगरी है, कैटेगरी अब क्या होती है, जैसे मान लीजिए देखिए हमारे यहाँ पर फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन जैसे देखो एक बेसिक फ़ोन होता है, बेसिक फ़ोन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जैसे नोकिया वगैरह का पुराना फ़ोन, सैमसंग का जो छोटे छोटे कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, ये बेसिक फ़ोन होते हैं। तो ये एक हमने बेसिक कैटेगरी बना ली फ़ोन की बेसिक, और बेसिक बाद में फिर हमने यहाँ पर बना लिया क्या, एक और मल्टीमीडिया बना लिया, एक और बनाएंगे एंड्रॉयड बनाएंगे आप लोग, क्योंकि अभी हम लोग दो ही बनाएंगे, बस दो ही बनाने के बाद हम तो निकल जाएंगे यहाँ पर। एक और बना लो आप एंड्रॉयड, फिर एक और एंड्रॉयड का मतलब इंटरनेट, एक ही बात है, इंटरनेट कर लो एंड्रॉयड कर लो। और इसके बाद में अब आप समझिए, हमने एक कंपनी बना ली, कंपनी बनाने के बाद में उसको हमने परिवर्तन करना सीखा, फिर उसको डिलीट करना सीखा, इसके बाद में हमने यहाँ पर उसको उसकी एक गोडाउन बनाई, गोडाउन बनाने के बाद फिर हमने स्टॉक ग्रुप बनाए, स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद फिर हमने स्टॉक कैटेगरी बनाई, और कैटेगरी बनाने के बाद में यहाँ पर हम लोग यूनिट बना रहे हैं। यूनिट का मतलब है कि आप लोग वो जो लेके आ रहे हो, जो सामान लेके आ रहे हो, वो किस में लेके आ रहे हो, मतलब लीटर में कि मीटर में कि आप पीस में काउंटिंग में कैसे करके लेके आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको यूनिट बनानी पड़ेगी। मान लीजिए किसी की डेयरी है तो वहाँ पर तो मीटर बनेगा नहीं, या वहाँ पर पीस तो बनेंगे नहीं, तो वहाँ तो लीटर।
सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूनिट बनाएंगे, पहले हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, यूनिट। तो यूनिट कौन सी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम मोबाइल लाएँ तो किसकी बनाएंगे, पीसीज की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पीस की बनाएंगे, नोज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या टेली पर कहते हैं, क्या टेली में क्या कहेंगे, नोज, NOS, नोज। और उसकी फुल फॉर्म होगी पीसेस, या आप नंबर भी कह सकते हैं उसको, जो हमारा NUMBER होता है ना, नंबर। तो उसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, नोज, NOS, नोज, ठीक है। तो अभी आप हेडिंग डालेंगे फोर क्रिएट यूनिट्स डालिए। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे उसका पाथ। पाथ लिखने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप पाथ लिखने के लिए क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली, देखो गेटवे ऑफ टैली, और फिर डैश करके यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो, फिर डैश करके यहाँ पर यूनिट ऑफ मेज़र। पाथ लिखना बहुत ज़रूरी है, पाथ लिखिए यहाँ पर। तुम अब आपने यहाँ पर पाथ लिखना है क्या, देखिए यहाँ से आप पाथ लिखेंगे, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, यूनिट, फिर यूनिट क्रिएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है, इसको सिंबल सिंपल, और सिंबल यहाँ का लिखेंगे हम नोस, NOS, नोस, ठीक है ना। मैं पहले बताता आपको कि हम नोस लिखेंगे, और यहाँ फॉर्मल नेम लिखेंगे इसमें नंबर, नंबर्स। यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद हम निकल जाएंगे बाहर। अब हम आपको बताते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो की समरी क्या है। तो समरी में पहले, सबसे पहले हमने इसमें इस वीडियो में बताया आपको कि हम लोग किसी कंपनी के गोडाउन कैसे बनाते हैं। फिर इसके बाद में स्टॉक जो हम लोग ग्रुप बना रहे हैं स्टॉक का, वो कौन कौन से ग्रुप में जाएगा, जैसे नोकिया का माल एक तरफ जाए और सैमसंग का माल एक तरफ जाए, और इसके बाद में आपका ओप्पो का माल एक तरफ रहे, वीवो का माल एक तरफ रहे। तो यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप बना लिए। इसके बाद में अब हमने क्या बनाया है कि उसकी स्टॉक की कैटेगरी, कि भाई जो एंड्रॉयड वर्जन है, जो उसका इंटरनेट चल रहा है, तो वो इंटरनेट वाला एंड्रॉयड वाला अलग रहे, मल्टीमीडिया वाला अलग रहे, और इसके बाद में जो बेसिक फ़ोन है वो अलग रहे। तो ये स्टॉक की कैटेगरी हो गई। अब कैटेगरी के होने के बाद हमने यहाँ पर क्या बनाई कि आपका यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट्स बनाई कि हम लोग जो पीस लेके आ रहे हैं वो किस में लेके आ रहे हैं, पीस में लेके आ, नंबर्स में लेके आ रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर लीटर में लेके आ रहे हैं कि मीटर में लेके आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ नंबर पर लेके आएंगे, तो हमको यहाँ पर नोस बनाना है। तो आज मैंने इस चीज़ को आपको बताया, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप की समझ में आई होगी। इस एंट्री को करते समय आपकी समझ में कुछ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट छोड़िए, मैं जल्दी से जल्दी उसकी रिप्लाई देने का आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।